नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ऐप्स या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन स्टॉक के बारे में। सोगस फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक बार फिर से दोस्तों तेज़ी पर मार्केट आज क्लोजिंग देखने को मिली है। फिलहाल इस तेज़ी के पीछे की बड़ी वजह क्या होने वाली है और साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम मंडे को लेकर चार्ट संकेत क्या होने वाला है और अभी के टाइम क्वार्टर टू के रिजल्ट्स को लेकर क्या अपडेट नज़र आ रही है और अभी के टाइम क्वार्टर टू का जो टारगेट है वो कितना होने वाला है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ और अभी के टाइम हम लोग को एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। सो सबसे पहले अगर देखा जाए मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी पर आज क्लोजिंग देखने को मिली है। फिलहाल दोस्तों अगर आज की ओपनिंग की अगर मैं बात करना चाहूँ तो 2 रुपये 55 पैसे के साथ आज की ओपनिंग नजर आई और 2 रुपये 75 पैसे तक बड़ी जो जंप थी आज के मार्केट पर देखने को नजर आई। पर इस बीच अगर क्लोजिंग की अगर बात करना चाहूँ तो 2 रुपये 65 पैसे पर आज मार्केट में क्लोजिंग देखने को नजर आई है। पर इस बीच दोस्तों गलती जो है शेयर होल्डर्स फिर से यहाँ पर दोहराते हुए नजर आ रहे हैं जिसका खामियाजा दोस्तों आगे चलकर भुगतना पड़ सकता है। लास्ट दोस्तों पिछले 5 दिनों की अगर बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में 5.36% की जो है रिटर्न्स पर अभी टाइम गिरावट देखने को नजर आई जिसमें 15 पैसे के जो है लॉस यहाँ पर रहने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट 1 महीने का और लास्ट 6 महीने का डेटा देखा जाए तो उसमें पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़कर देखने को नजर आ रही है क्योंकि दोस्तों शॉर्ट टर्म के टारगेट्स को कंपनी ने यहाँ पर हिट किया है और लगातार देखा जाए तो आगे तेज़ी की तरफ बढ़ती हुई देखने को मिली और एक बार फिर से यहाँ पर गिरावट नजर आई और अब वापस जो है तेज़ी की तरफ बढ़ रही है। तो फिलहाल हम लोग को दोस्तों यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी टाइम रेकमेंड करूंगा कि फिलहाल दोस्तों अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तेजी काफी अच्छी बढ़कर देखने को नजर आएगी क्योंकि दोस्तों पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को हम यहाँ पे देखते हैं तो उस पर यहाँ पे देखने को सीधा सीधा ये पता चलता है कि कंपनी के पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट में कंपनी को जो है जिस प्रकार वर्तमान में सेल्स की ग्रोथ में यहाँ पे तेजी देखने को नजर आई, प्रॉफिट की ग्रोथ में तेजी नजर आई और इसी के चलते देखा जाए तो मार्केट में जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा बढ़कर नजर आ सकता है। तो जितना हो सके अभी टाइम बाइंग कर सकते हैं और अभी टाइम जिस प्रकार दोस्तों मार्केट पर जो सेलिंग ऑर्डर की जो गलती शेयर होल्डर्स दोहराते हुए नजर आ रहे हैं तो इस चीज़ को आप लोग को दोहराने की आवश्यकता है नहीं। मैं फिलहाल दोस्तों इस सेलिंग ऑर्डर के लिए रिकमेंड नहीं करने वाला कि वर्तमान में आप सेलिंग ऑर्डर लगाए और वो फिर से लॉस का सामना आप लोग को करना पड़े क्योंकि दोस्तों वर्तमान में अगर देखा जाए तो आज सेलिंग ऑर्डर की प्राइस की अगर मैं बात करना चाहूँ तो 2 रुपये 65 पैसे पर आज की सेलिंग ऑर्डर लगी है जिसमें अगर देखा जाए तो 1,27,000 के आसपास आज जो शेयर है वो सेलिंग ऑर्डर पर लगे हैं। पर दोस्तों आगे चलकर मार्केट की जो प्राइस है फिर से दोस्तों 3 रुपये प्लस यहाँ पे जा सकती है जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों कीमत जो है 3 रुपये 20 पैसे को क्रॉस कर पाएगी 100% श्योरिटी के साथ क्योंकि दोस्तों कंपनी में देखा जाए तो तेजी तो देखने को मिली पर उसके विपरीत अगर देखा जाए तो मार्केट में फिर से दोस्तों वापस जो है रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी जो है आज देखा जाए तो निफ्टी 50 की बात करना चाहूँ तो 190 अंकों की दोस्तों एक बार फिर से जो है जंप देखने को नजर आई और क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को नजर आई। तो मंडे को दोस्तों बड़ी जो तेजी है वो यहाँ पर बढ़ सकती है और रही बात दोस्तों क्वार्टर टू के रिजल्ट की तो क्वार्टर टू के रिजल्ट को लेकर अनाउंसमेंट दोस्तों मंडे को यहाँ पे लेट इवनिंग तक हो सकती है जहां तक देखने को मिलेगा दोस्तों जल्दी ही यहाँ पे हो सकती है। पर कंपनी जो है 14 नवंबर के पहले सभी कंपनियों को दोस्तों क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो जारी करना अनिवार्य होगा तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो 14 नवंबर के पहले पहले आप लोग को देखने को नजर आ सकता है। तो कंपनी में जितना हो सके दोस्तों अभी टाइम होल्ड हम लोग को रखने की आवश्यकता है। डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे होने वाला है साथ ही साथ दोस्तों कंपनी इस क्वार्टर के रिजल्ट में डिविडेंड बोनस तो यहाँ पर आप लोग को नहीं पे आउट करेगी क्योंकि दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों इतना बड़ा नहीं कि दोस्तों आप लोग को डिविडेंड बोनस को पे आउट कर पाए। पर दोस्तों प्रॉफिट काफी बेटर यहां पे होने वाला है और सेल्स की ग्रोथ में जिस प्रकार वर्तमान तेजी देखने को मिल रही है तो दोस्तों 100% डेटा जो है पॉजिटिव आने वाला है। फिलहाल आप लोग को दोस्तों बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटल की ओर लेकर चलो उससे पहले बता दो दोस्तों चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। और दोस्तों अभी के टाइम कंपनी के चार्ट की बात अगर बात की जाए तो चार्ट संकेत जो है अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछली क्वार्टर्स के मुकाबले इस क्वार्टर में तेजी का जो संकेत है अभी के टाइम काफ़ी अच्छा बढ़कर देखने को मिला। पर अगर आज की कैंडल्स की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से दोस्तों जो है कंपनी की जो कैंडल्स है वो पॉजिटिव देखने को मिल रही है और जिस प्रकार यहाँ पे कैंडल्स जो हैमर कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है बड़ा हैमर यहाँ पे बन रहा है तो मार्केट में तेजी आनी पक्की है। दोस्तों इसी प्रकार का जो हैमर था वो पिछले टाइम भी यहाँ पे देखने को नजर आया था पर अभी के टाइम देखा जाए दोस्तों उसमें सेलिंग ऑर्डर भी लगा था यहाँ पे देखा जाए तो उसमें सेलिंग ऑर्डर लगा। पर इस प्रकार का जो है अगर यहाँ पे कैंडल्स अगर बार बार क्रिएट हो रहा है तो मार्केट में जो बड़ी जंप है वो यहाँ पे बढ़कर देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले टाइम से जो है मार्केट में जो मंदी है वो किस प्रकार की देखने को मिली थी और जो तेजी थी वो किस प्रकार की देखने को मिली थी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कंपनी में अगर ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पे क्रॉस किया जाए तो दोस्तों अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट की जो प्राइस है वो यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टार्ट की जाए तो दोस्तों वापस यहाँ पे जो है मार्केट में जो जंप है वो काफ़ी अच्छा बेटर यहाँ पे बन सकता है क्योंकि दोस्तों अगर लास्ट टाइम देखा जाए तो इस प्रकार यहाँ पे प्राइस यहाँ पे स्टार्ट
कटिंग देखने को मिली थी। और यहाँ पे देखा जाए तो इस जो सपोर्ट जोन था कंपनी ने यहाँ पे लिया था जो 1 रुपये 80 पैसे के आसपास से बना था, फिर वापस 2 रुपये 20 पैसे पर सपोर्ट जोन बना, फिर धीरे धीरे दोस्तों कंपनी में सपोर्ट जोन क्रिएट होते गए और मार्केट में जो तेजी थी वो बढ़ती गई। और भी वापस देखा जाए तो सपोर्ट जोन को ब्रेक करके वापस जो है सपोर्ट जोन से ऊपर के लेवल को यहाँ पर टच करता हुआ नजर आ रहा है। तो डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर और पॉजिटिव तो होने वाला है और तेज़ी जो है काफ़ी बेटर यहाँ पर होने वाली। मैंने आप लोग को पहले दोस्तों 3 रुपये 20 पैसे का जो टारगेट था वो पहले सजेस्ट कर दिया था। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई ऐसी जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।